क्वेश्चन लिखा है, प्रिज्म के छोटे कोण से विचलन का व्यंजक। यहां ध्यान दीजिएगा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड, ये हो जाएगा इमर्जेंट रे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। और ये जो है अभिलंब है, इधर यहां अभिलंब है, बताए थे ना, ये कौन, ये कौन इंसिडेंट रे आई है, ये रिफ्रैक्टेड कौन आर वन है, ये निर्गत कौन ई है, रिफ्रैक्टेड कौन आर टू है। जब आप इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ाइएगा, जब इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा, जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वहां पर क्या बनता है, विचलन, बताए थे ना। और यहां पर क्या बन जाएगा, डेल्टा वन, यहां पर क्या बन जाएगा, डेल्टा टू, सही है। अब देखिए, इसका अपवर्तनांक मान लीजिए म्यू है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, स्नेल्स लॉ दो बार हम लोग प्रयोग करेंगे, एक बार इसके लिए स्नेल्स लॉ, म्यू बराबर साइन आई बाय आर वन, एक बार स्नेल्स लॉ हम लोग प्रयोग करेंगे, म्यू बराबर साइन ए बाय क्या, आर टू। समझ में आया कि नहीं आया, दो स्टेप में हम लोग निकालेंगे, ध्यान से खाली देखना है, दो स्टेप में। देखिए कुछ और बात जान लीजिए कि बेटा हम छुट्टी तभी देते हैं जब हम बहुत असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए अभी भी बुखार है, लेकिन फिर भी पढ़ाने के लिए आ गए, थोड़ा सा ठीक लगा तो हम बोले जाते हैं क्लास में ही बैठेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे। और अगर वही हिम्मत नहीं होता, जैसे कल एकदम हिम्मत ही नहीं था उठने का, कल उठने का हिम्मत ही नहीं कर रहा था, कल परसों शाम से ही अचानक बुखार आ गया। डॉक्टर हमको बोले थे कि तीन चार दिन बेड रेस्ट कर लीजिएगा, पाँच दिन, लेकिन चूंकि आप देखेंगे जिस दिन सलाइन चढ़ा, उस दिन हम क्लास लेने के लिए आ गए थे, तो वही हमको इफेक्टेड कर देता है। फिर सोचते कुछ नहीं, सीजन चेंज हो रहा है, वायरल फीवर है और कुछ नहीं है, बुखार बुखार वायरल, सर्दी खांसी बुखार, सीजन चेंज हो रहा है ना, वही वायरल फीवर। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं नहीं एक मिनट बता दें, जैसे कुछ बच्चे, ए बाबू सुनो, कुछ बच्चों को लगता है कि सर जी छुट्टी देते हैं तो छुट्टी देने से बेटा हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन अब कोई मजबूरी हो जाती है, अब कोई लाचारी हो जाती है, अभी भी वो चादर उतारने का मन नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए उसको उतारना पड़ रहा है। ये पंखा चला, ठंड लग रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, पाँच सात मिनट का क्लास है, उसके बाद तो फिर उड़ लेंगे आराम से। आप खाली देखो ध्यान से, देखिए अकॉर्डिंग टू, देखिए आप लोग बातचीत नहीं कीजिए, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, बोलिए तो, म्यू बराबर साइन आई बाय आर के जगह पे क्या, कोई दिक्कत किसी को, आपको बताए होंगे, स्मॉल हो क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो, साइन आई को साइन आर को आर वन, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, बोलिए तो, म्यू बराबर आई बाय आर वन, सही है, या
आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर म्यू आर वन, कोई दिक्कत? अगेन पुनः म्यू बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, साइन ई बाय क्या? साइन आर टू, सही है। तो म्यू बराबर एंगल छोटा होगा ए बार टू हो जाएगा, काहे एंगल ई एंड एंगल आर टू क्या है? स्मॉल है, इसलिए साइन ई को हम लोग क्या लिख दिए? ई, और साइन आर टू को क्या लिख दिए? आर टू, कोई दिक्कत? ई बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब देखिए, नाउ एज वी नो दैट आपको बताए होंगे कभी, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, बताए हैं? कॉपी निकाल के देखो, परसों का क्लास देखिए, समीकरण नंबर होगा आठ, देख लिया? इसको मान लीजिए चार, अब दो और तीन का मान किस में रख देंगे? चार में। क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, किस में? इन इक्वेशन फोर। क्या हो जाएगा? डेल्टा बराबर आई के जगह पर क्या रे? म्यू इंटू आर वन प्लस म्यू इंटू आर टू माइनस क्या? ए। डेल्टा बराबर म्यू कॉमन ले लीजिए, आर वन प्लस आर टू माइनस ए, डेल्टा बराबर म्यू। अब आप कॉपी देखिए, इक्वेशन आठ के थोड़ा सा ऊपर आर वन प्लस आर टू ये बराबर होगा ए के, सही है? तो ये क्या हो जाएगा? म्यू इंटू ए माइनस ए, तो डेल्टा बराबर ए कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? म्यू माइनस वन इंटू ए। ए बेटा ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, सेम चीज सेम पूछा गया बहुत बार, इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देगा बस में, इसको आप लोग फटाफट जल्दी से उतार लीजिए। चलिए फिगर बना लीजिए जल्दी से, उतारना शुरू कीजिए जल्दी से।